बच्चों यस सर। क्या पढ़ रहे हो? गणित। गणित पढ़ रहे हो? यस। गणित में क्या पढ़ रहे हो? कौन सी संख्या है? अभ्याज। अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या है? कोई बताए हमको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? किसी को पता है? बोलो, कोई जानता है? नहीं पता? जानना चाहोगे? यस सर। चलो यहाँ देख रहे, कुछ संख्याएं लिखी हैं। 2 लिखी है, 3 लिखा है, 4, 5 लिखा है, 7 है ना? यस सर। 2 को 2×1 लिख दिया गया है, 3 को 3×1, 5 को 5×1, 7 को 7×1 और कोई संख्या नहीं लिखी गई इसमें, जैसे 2×3×4 ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है ना? आप इसमें क्या देख रहे हो? एक सम में है। यस सर। एक सम में है ना? यस सर। अब जैसे 2 का किया गया है तो 2×1 2 इसमें है, 3 का अगर पूछा जा रहा है 3×1 लिखा है, 5 का 5×1, 7 का 7×1 है ना? यस सर। यानी कि अगर कोई भी संख्या उठाया जा रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं वो संख्या है और एक है। कोई भी संख्या अगर उठाई जा रही है तो वो संख्या है और उसके साथ क्या है? एक। इसके अतिरिक्त इसमें कोई संख्या नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं ना। लेकिन देखो अगर 6 की बात करेंगे तो 6 में देखो क्या क्या है। 1 है 2 है 3, 2×1=2, 2×3 = 2 6। 1×2=2, 2×1=2 हो जाएगा, फिर 2×2=2, 2×2=4 होता है, 4×3=2 क्या आएगा? 12। है ना? इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसमें और इन सब में देख रहे हो केवल 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है ना? लेकिन इसमें देखो 2 से ज्यादा है। 6 में देखो 3 गुणनखंड है, 12 में देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 है ना? तो इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं, जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, जिनमें क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो, और वो गुणनखंड क्या क्या हो? 1 हो, 1 सब में हो, ठीक, 1 हो और वो संख्या हो, जैसे 2 का 2×1, 3 का 3×1, 5 का 5×1, 7 का 7×1 हो और वह खुद की वह खुद हो मतलब स्वयं हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या जिनका एक और स्वयं मतलब जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होगी, ठीक है? यस सर। ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, 2 पहली सम अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हो ना, जब अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं तो 2 से प्रारंभ होती हैं और ये सम भी है, तो 2 जो होती है पहली सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है? इसको याद रखना, ठीक है? तो ये होती है अभाज्य संख्या। कोई डाउट? अभाज्य संख्या समझ में आया? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, यानी कि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं वह संख्या, ठीक है? आइए बात करते हैं 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। अभाज्य संख्या मान के चलना 1 से कटती है, विभाजित होती है या स्वयं से, उसके अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं विभाजित होगी।
अगर वो विभाजित हो गई तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए एक से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए एक से 25 के बीच संख्याएं लिखते हैं। दो, पहले हम पूरी एक से 25 तक संख्या लिख देते हैं।